नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहारी मजदूरों का जायजा लेने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बाला मुरगंडी तमिलनाडु के लिए रवाना हुए हैं। चलिए बता दें आपको कि पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे थे ग्रामीण विकास विभाग के सचिव। इस दौरान उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार ने उन्हें आदेश दिया है कि क्या कुछ स्थिति है तमिलनाडु में, बिहारी मजदूरों के साथ क्या कुछ हो रहा है, उसकी स्थिति का जायजा लेने के लिए वो जा रहे हैं और जो कुछ भी रिपोर्ट निकल कर आएगी वो बिहार सरकार को भेजेंगे। इसी के साथ साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले आप वो सुने। अभी जाने के पहले कमर नहीं करना चाहते हैं, बिहार सरकार के आदेश से चार सदस्य है टीम जो तमिलनाडु जाके आईआर ऑफिशियल से मिलेंगे, बिहार के जो वासियों उधर है काम कर रहे हैं वो लोगों से मिलेंगे, उनका कुछ जो भी इश्यूज है उसके बारे में। अभी तक क्या अपडेट है वहाँ से, चेन्नई तमिलनाडु से क्या अपडेट? कुछ नहीं बोल सकते। तो सुना आपने, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बाला मुरगंडी ने साफ तौर पे कहा है कि जैसे ही वो तमिलनाडु पहुंचेंगे वहां की स्थिति क्या कुछ है उसकी जानकारी बिहार सरकार को दी जाएगी। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि यह पूरा मामला सदन में उठा था और बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की है और यह मामला पर संज्ञान लेने को कहा है, जिसके बाद से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह आश्वासन दिया है कि बिहार के मजदूरों को सही सलामत बिहार लेकर आया जाएगा। इसी के साथ साथ उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को तमिलनाडु भेजे हैं ताकि वहां की क्या कुछ स्थिति है वो जान सके। तो फिलहाल के इस रिपोर्ट में बस इतना ही, आगे क्या कुछ निकल कर आता है ये बताते हैं आपको अगली अपडेट में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।